महासमुंद जिले के सरायपाली से है, जहां पर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहां ना तो पक्की सड़क है और ना ही नदी और नाली है। यहां के बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाते हैं, इससे ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है। महासमुंद जिले के सरायपाली विधानसभा के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम सरगुना भाटा और डीपापारा, जहाँ लगभग 30 से 40 परिवार के 200 लोग निवासरत है, यहाँ मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। भारी बारिश में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए संपर्क टूट जाता है, बच्चों की पढ़ाई भी दांव पर लग जाती है। ग्रामीणों को हमेशा ही एक डर सताता रहता है कि कहीं नदी पार करते समय उनके बच्चे नदी में ना गिर जाएं। वहीं आम आदमी पार्टी के सरायपाली ब्लॉक अध्यक्ष आशिक हुसैन ने कहा कि दोनों सरकारों ने अभी तक इस गाँव के लिए कुछ नहीं किया, जिसके चलते गांव का विकास नहीं हो पाया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जनपद पंचायत सीईओ सुनत महादेवा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी चार्ज लिया है, पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। गांव के सरपंच से मेरी बात हुई थी, उसका एक कहना है कि लगभग इसमें पुल बनाने में 50 लाख से ऊपर खर्च आ रहा है। अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उसमें एस्टिमेट बनवाया जा रहा है और इस समस्या को हम लोग जल्द से जल्द निराकरण करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो दूरस्थ अंचल का गांव है, वहाँ पे पुल बनना आवश्यक था, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं हो पाया। तो उसमें प्रयास करूँगा कि वो बहुत जल्द से जल्द हो जाए। उस गाँव में आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, इन 75 वर्ष में वह ग्राम अछूता है संसाधन से। न वहाँ बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा, न आने जाने के लिए रोड बना हुआ है। एक नदी पड़ता है, छोटा नदी, जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए पतरापाली आते हैं सरगुना भाटा से। लगभग 40-50 बच्चे ऐसे हैं जो आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो पढ़ने आते हैं, उनके लिए आने के लिए जो वो गांव द्वारा बनाया हुआ लकड़ी द्वारा पुल है, उससे वो चल के आता है, जिससे हमेशा उन बच्चों को डर बना रहता है। ये सरगुना माटा के बस्ती और दीपापारा के बीच में तालाब का पानी बुलट के माध्यम से पानी बहता है, उसी में अभी तक पुल नहीं बना है। और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग वहाँ लकड़ी के ये में पुल बनाए हैं और आना जाना करते हैं, जिससे वो मोटरसाइकिल चलने में सुविधा होती है और गाड़ी वाड़ी पार्क नहीं होती।